जय जोहार। छत्तीसगढ़ी के नंबर वन डिबेट शो पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा। चार्मिंग चिकनी ऊपर चिकचिक, नाम सुन के अचकचा गये ना। सोचा था कि ये चार्मिंग चिकनी कौन है, काबर के हमन चिकनी चमेली के नाव तो सुने हन, फिर ये चार्मिंग चिकनी है कौन नहीं जानन ना। तो चुनावी साल अवैया है, ये कारण आनी बानी के अतरंगी बोल बचन सुने बर सब तैयार हो। अब आज के टॉपिक ऊपर आथन, असल में सड़क ला लेके कांग्रेस और बीजेपी में माते हुए और यही मुद्दा ले लेके गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू हा चार्मिंग चिकनी के तुर्रा छेड़ दे है। और कई साल पहली लालू प्रसाद यादव हा बिहार के सड़क के तुलना हेमा मालिनी के गाल ले कर रही। अब हमारे गृहमंत्री हा चार्मिंग चिकनी के राग छेड़े है, ता आज हमन अपन पहुना मन संग यही मुद्दा पर चर्चा कर। आपके टीवी स्क्रीन में देखत ये तू तस्वीर बीजेपी के प्लान सोशल मीडिया लाइव अभियान के हिस्सा है, जिमा राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे अभियान के तहत खराब सड़क ला लेके सोशल मीडिया लाइव करत है। खराब सड़क ला लेके राज्य सरकार लो घेरे के कोशिश करी। वही दूसर तस्वीर बीजेपी विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल के है, जिमा अपन काफिला मचलत खराब सड़क की वीडियो सोशल मीडिया में पोस्ट करी। वही आज ये दोनों तस्वीर ला लेके गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू घलो प्रतिक्रिया दे है। सरोज पांडे ला खराब सड़क के नाम एक गड्ढा में अपन चार्मिंग फेस लेके फोटो खिंचवा थे। सरोज पांडे एक गड्ढे में रोड में अपना चार्मिंग फेस डलवाई थी कि ये रोड खराब है करके, सड़क की चार्मिंग बोल रहा हूँ, सड़क जो चार्मिंग है वहाँ भी खड़े होके खिंचवा लें। गड्ढे में खड़े होकर खिंचवाने की इन लोगों का आदत है। उखर कहना है कि सड़क बनवाए पर पहले खोदना होते, खोदे और वही रात सड़क बन जाए ऐसे नहीं हुए। गड्ढा में खड़े होके फोटो खिंचवाना इखर मन के आदत हो गई है। उखर मन के कहना है कि जी हाँ, हमारे चार्मिंग चिकनी सड़क है, वहाँ घलो कभू जाके फोटो खिंचवाए। कोई भी सड़क जो बनता है 20 किलोमीटर के सड़क है, जब उसको खोदते हैं तो गड्ढा तो होगा ना बनाने के लिए, कि उसको खोदो और उसी रात पूरा बन जाए तो होता नहीं संभव। तो गड्ढे के जगह हम खड़े होकर बनाना, वैसी कहीं अच्छा चिकना सड़क दिख रहा है वहाँ भी खड़े होकर फोटो खिंचवा डलवा दें। गृह मंत्री के बयान ऊपर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जवाब देते हुए कही है कि छत्तीसगढ़ में जितने सड़क बने हैं बीजेपी और रमन शासन काल के बने हैं। सड़क पुल पुलिया का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में 15 साल में हुआ है। अधोसंरचना के निर्माण में राज्य की कांग्रेस सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। आज जो सड़कों में गड्ढे हैं वो गड्ढे ये सरकार पाट नहीं पा रही है। अब देखना होगी कि विधानसभा चुनाव के आते कौन कौन मुद्दा वहाँ कैसे और कौन प्रकार के बयान होगी। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो कभी कभी कोनो शब्द ला जोड़े के बाद ओमा विवाद की स्थिति बन जाते। आज जो गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जो बयान दे ओमा भी इसने एक शब्द रही से जिला लेके एक गांव फिर ये चर्चा के विषय बन चुके हैं। हमारे संग दो पहुना हमारे संग जुड़े थे, अजय साहू जी कांग्रेस के पक्ष रखी वो हमारे संग जुड़े थे, तो देवलाल ठाकुर जी हमारे संग स्टूडियो में मौजूद है, प्रदेश के प्रवक्ता है बीजेपी के। आप दोनों के स्वागत है, जोहार है। देवलाल जी आप मन ले चर्चा की शुरुआत करबो, काबर के गृहमंत्री के बयान है तो आप मन ले प्रतिक्रिया लेबर पढ़ी कि आप मन का कहत हो चिकनी चार्मिंग चिकनी सड़क और चार्मिंग फेस के बाद उन कहीं है, तो ये ला आप कौन तरीका ले देखा था। कांग्रेसिया मंत्री के बुढ़त काल में ऐसा चरित्र कभी देखे ला नहीं मिले रही से, ये पार्टी मन के संस्कार यही है का? अरे हमारे राज्यसभा का सदस्य है, ओकर बारे में ऐसे बोलना बिल्कुल शोभा नहीं दे रहा भाई। और वो काय गलती करी से, अरे गृह मंत्री जिला दर्पण ला दिखाई से कि छत्तीसगढ़ के रवैया आदमी मन ला अतेक तकलीफ होते, रद्दम रेंगन नहीं सका थे, साइकिल और मोटरसाइकिल चलन नहीं सका थे, ट्रक के अलावा कोनो दूसरा गाड़ी चले के लायक नहीं है, तो छत्तीसगढ़ के समस्या ला तो जनमानस में लावेर करीर भाई। तो वो अपन असली चेहरा ला छत्तीसगढ़ के सरकार ला कांग्रेस के सरकार ला देखना चाहिए और इति विति बयान ला नहीं करना चाहिए। बहनी माई बेटी मन के सम्मान करना चाहिए भाई, एकर बार तो ओला माफी मांगना चाहिए। छत्तीसगढ़िया संस्कृति के ये ढोंग करते, छत्तीसगढ़िया संस्कृति में तो हमारे बहनी बेटी मन के अतिक मान सम्मान है, कोनो ओकर ऊपर टिप्पणी ये टाइप से करी ते बिल्कुल ठीक नहीं है भाई। ठीक, संस्कृति भाषा के प्रयोग करना चाहिए। अजय साहू जी का कहा था आपन? देखो राहुल जी, सबसे पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ला जिन हम कहथन के झूठ बोले के फैक्ट्री है, ये बात बार बार साबित होते। आज जिन सड़क के निर्माण चला थे वो सड़क के सामने में जा करके वीडियो बना करके
सस्ती राजनीति कोन तरीके से की करे जाए, यही माननी जिन राज्यसभा सांसद जी है ओकर जिन चरित्र दिखा थे वो यही तरह के दिखा थे। लेकिन माननीय सांसद महोदय सरोज पांडे जी जिन है लगातार ट्रेन रद्द हुआ थे ओकर बर ओकर मुंह नहीं खुले, रसोई गैस के दाम बढ़ा थे तेकर बर ओकर मुंह नहीं खुले, लेकिन अतेक कन समस्या है बेरोजगार मन ला रोजगार नहीं मिला थे तेकर बर वीडियो नहीं बनाए, इसका ही वाक इकर समय के जेन उपलब्धि है ओकर ऊपर जाकर के वीडियो नहीं बनाए, जेन एक्सप्रेस वे बने हुए है इकर सरकार के कार्यकाल में पति पत्नी जावत रही ने कार उलंड गए ओला जाकर के वहां जाकर के वीडियो नहीं बनाए, इकर जब सरकार रही से राहुल जी तब भी इकर जेन लोक निर्माण मंत्री रही से वो विदेश से वियतनाम के फोटो लान के यहाँ पे अपन चटका के बताइस के जसपुर सन्ना मार्ग है, बाद में हमारा आईटी सेल हर ओकर जेन घोटाला रिस ओकर सच जेन है मनखे मन के सामने ला के रखीस तो पोस्ट ला डिलीट करीस, तो ये भारतीय जनता पार्टी के चरित्र है। अब मैं आवत हो आपके जन विषय है कि अशिष्ट भाषा के उपयोग नहीं करना चाहिए, पहली चीज तो है कि चार्मिंग शब्द जेन है एमा अशिष्टता कहां से आ गई, चार्मिंग के शब्द के कोश जेन है उमा जाकर के डिक्शनरी में देवलाल ठाकुर जिला जाकर के उमा अध्ययन करना चाहिए कि चार्मिंग में अशिष्टता कहां है, पहली चीज। दूसरी चीज देवलाल ठाकुर हमार पुराना संगी है, हमार युवक कांग्रेस के साथी रहें तो देवलाल ठाकुर जी तो इसने नहीं रही से काबर के ओकर खून में जेन ब्लड डाले गए है कांग्रेस पार्टी के वो कहीं ना कहीं अभी भी दौड़ा थे तो वो झूठ बोले नहीं मैं जाना था, लेकिन आज जेन बात कहा थे कि चार्मिंग कह देना मंत्री जी ला नहीं कहना रही से तो पहली चीज तो चार्मिंग सड़क के बात हुआ थे, हमारे सरकार में लगातार चार वर्षों में जेन सड़क के जाल बिछे है वो जेन जाल है वो कौन तरीके से आज सफलतापूर्वक लोगन मन भर सुगम रास्ता उपलब्ध कराए जाते हैं हमारे सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जिन सरकार चलत है वो लगातार वो दिशा में काम करा तो वहां जाकर के वीडियो बनाओ, लगातार ट्रेन रद्द हुआ तो ओकर पर बात करो, तो ये तरीके से बात करके सस्ती राजनीति जेन है वो करे के काम नहीं करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी ला, झूठ बोले के काम नहीं करना चाहिए, मोला ही लगे के चार्मिंग शब्द जेन है वो कहीं भी अशिष्टता। चलो देवलाल जी अब मुद्दा के जड़ में जाथन, जेकर स्थिति ये पूरा बयान आए है और खबात विवाद हुए जौन सड़क के बात कर रहे थे जौन अजय जी कहा थे कि बहुत अकन ऐसी सड़क रही है जेमा बहुत बढ़िया काम हुए, बहुत क्षेत्र ऐसी है जहां बने सड़क बने हुए, ओखर कहे का मतलब यही है कि अगर वहां जाके सरोज पांडे फोटो खिंचवातीस और बने रहतीस की बतातीस तो सही कि कांग्रेस शासन काल में सड़क बने। मैं एक चीज कहना चाहूं एकर मन के कोनो ऐसे सड़क रहे तिहा जाक फोटो खिंचवाए, अब मैं यहां आवत हूं हमारे प्रवक्ता कांग्रेस के कहा थे तेकरे जवाब में आत हूं, अच्छा हो गया हमारे राज्यसभा सदस्य दुर्ग में जो टू लेन के सड़क के बना थे एकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी जो पीडब्ल्यू मंत्री है वो लगते छत्तीसगढ़ के नो है दुर्ग ग्रामीण खावे काबर की वो रोड ला सिर्फ दुर्ग के ग्रामीण में बना हुआ जबकि अच्छा। वो रोड ला बालोद तक जाना रही से तो ओकर पर पैसा नहीं है कर मन कर वो ढान गड्ढा भरे पर पैसा नहीं है आऊ ए मन लग इथो में है कि एमन अपन अपन विधानसभा मंत्री है कागा यहाँ छत्तीसगढ़ में सबो डहान के रोड रद्दा खराब हो गए, अभी देखबे 14 ठन यहाँ तो सरगुजा में वहाँ कितना पैसा दे हो तुम्हें 1600 करोड़ रुपया और बस्तर में कितना दे 1300 करोड़ रुपया और अकेला पाटन विधानसभा में 1700 करोड़ रुपया जी 1750 करोड़ रुपया यहाँ का चरित्र है जी, तो तुम पाटन ले नहीं निकल सको तो मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के हरस के पाटन के हरे तेला जवाब देना चाहिए का पूरा छत्तीसगढ़ के जनता एमन ला जनमानस ला समर्थन दे रही से अपन मत दे के मतलब जीता है तक छत्तीसगढ़िया मन साथ इसने अन्याय हुई जी कि मन अपने अपने विधानसभा में भरो भरो करी और दूसरा जगह जे ढान रद्दा रोड खराब है तिथि कले कौन बनाई जी काउगर पर कोई दूसरा मुख्यमंत्री आई या दूसरा पीडब्ल्यूडी मंत्री आई ते घर जवाब देना चाहिए रे भाई। चलो अजय जी जवाब दे अपन का भेदभाव काबर कर रहे थो अपन। देखो राहुल भैया सरकार जेन है जेन विधानसभा में जत का काम की आवश्यकता होते उस हिसाब से वहां के उपलब्धता ला ओकर वहां के आवश्यकता ला देख करके निर्णय लेते कि कहां पे कौन कतका मत दे जाए ठीक, तो एकर चिंता भारतीय जनता पार्टी ला करे के बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये छत्तीसगढ़ प्रदेश के जन मनखे है तेना तीन बार लगातार भारतीय जनता पार्टी ला अवसर दीस जनादेश दीस प्यार दीस के आप छत्तीसगढ़ के सेवा करो, छत्तीसगढ़ महतारी के सेवा करो, छत्तीसगढ़ी के लोक परंपरा संस्कृति के सेवा करो, तो ओकर बाद में निकल के जेन आई सो है कि इकर पीडब्ल्यूडी जेन मंत्री है वो विदेश से फोटो चुरा के लाते और छत्तीसगढ़ के सड़क है करके दिखाते,
पत्रकार ओमा लिखते ओकर हत्या करा दे जाते। ओकर बाद में छत्तीसगढ़ के अंदर लगातार जेन है अपन विधानसभा के खाली काम कराना है, पश्चिम विधानसभा ले जाके देख लो। अभी तामसा साहू जी के विधानसभा के बारे में बात करत है, पाटन के बात करत है, पश्चिम विधानसभा में तो अबका काम करा है, काबर हार गए, व्यवहार निरीश तेकर से तिहार गए। हम पूरा प्रदेश ला देख करके योजना बनावत हैं और जनता हमला जनादेश दे है। इकर समय में क्या हुई, डॉक्टर रमन सिंह कहा थे कि हम 62,000 किलोमीटर के सड़क बनाए हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, 32,000 किलोमीटर के सड़क मिला थे, बाकी 28,000 किलोमीटर के सड़क कहाँ है देवलाल ठाकुर जी बताना चाहिए। इकर पूर्व मुख्यमंत्री जी ने ओकर बयान है, वो आरोप लगाए, लेकिन हम कहा था सड़क चोरी हो गए तो पैसे जिन है वो काकर जेब में गई, ओकर कमीशन के बंटवारा के हिस्सा कौन कौन ला मिलीस, और वो जो सड़क है वो खाली कागज में बने रही से के कहीं नहीं बने रही से, अब सच्चाई निकल के आवत है। तो एमा कम से कम भारतीय जनता पार्टी के नेता मल्ला बोल के छत्तीसगढ़ के मनखे ला बताना चाहिए। ठीक है देवलाल जी, आपन सब सवाल सुन रहे हो अजय साहू जी के, आप मन ले जवाब ले। चर्चा करत थे ऐसे बयान ले लेके जो चुनई के नजदीक आता राजनीतिक पार्टी के नेता मन कहा थे और बाद विवाद हुआ थे। इसने काली फग्गन सिंह कुलस्ते कही रहन के अब कांग्रेस के 100 बच्चर पूरा हो चुके तो बुढ़ा चुके और बेरा खत्म हो चुके, एक ऊपर दूब बयान एखर पलटवार सामने आए जेमा गृहमंत्री कहीं है कि बीजेपी धीरे धीरे खत्म हुई और कांग्रेस में शामिल हो जाए। उहे मोहन मरकाम कहीं है कि बूढ़ा सिर मत दम होते। देवलाल ठाकुर जी, एकर पहले कि हम ये मुद्दों पर आगे बढ़बो, आप मन प्रतिक्रिया चाहबो कि ये दोनों बयान ला आप कैसे देखता हो? अब कांग्रेस ले खत्म हुई कहे की जरूरत है, का है वो तो खत्म ही होते, अगर कुछ बचे नहीं है मन वही ले बचाए बर मन अपन यात्रा निकाले है। 100 साल हो गए कहा थे और अब उखर बुढ़ा गए फग्गन सिंह कुलस्ते कहा थे और ये गृहमंत्री कहा थे कि अब बीजेपी खत्म होके कांग्रेस में शामिल हो जाए। अब वो कौन खत्म हुई, कामे शामिल हुई तो पूरा देश देखा थे, पूरा देश अखंड भारत के निर्माण के लिए आगे आवा थे, राष्ट्र के लिए आगे आवा थे, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते, उन्हें बताए क्या जरूरत है, पूरा देश के सामने है वो चीज है। तो चलो ठीक है, मुझे लगता है कि अब ये बयान ऊपर बात चला थे फग्गन सिंह फग्गन कुलस्ते के जो बयान से मुझे लगी साफ मैंने प्रतिक्रिया जरूर लेना चाहिए, काबर के मैं पलटवार सामने आए। अब ये चर्चा आगे बढ़ाता ना, अजय साहू जी बहुत अकन बात कर रही है, काम काज की बात कर रही है, सड़क निर्माण की बात कर रही है, पश्चिम विधानसभा की बात कर रही है, काम काज की बात कर रही है, आप मन का कहो खर का जवाब है अपन के? मैं कहा था ये छत्तीसगढ़ के आदमी मन है मुख्यमंत्री बनाए रही तो पूरा छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा पर मुख्यमंत्री बनाए रही से। ठीक है, हाँ ये मैं पहले बोले हूँ, देखकर तो कोनो जवाब देवे नहीं करी। यहाँ का चरित्र है सरगुजा और बस्तर के हमारे आदिवासी भाई मन है इचकोला खाखा गड्ढा डबर हम रेंगत हन और एकर मन के मुख्यमंत्री के यहाँ चरित्र हमार तेंदू पत्ता संग्राहक मन के 900 करोड़ रुपया जमा रही से ओकर आधा से ज्यादा पैसा लिया अपन विधानसभा पाटन में खर्च कर दिस। ये हमारे आदिवासी मन के हक और अधिकार में डाका डाल के अपन क्षेत्र में काम करा थे, हमारे आदिवासी मन के पैसा खा थे, एकर जवाब देल पड़ी कि आदिवासी ही तैसी हो के ढोंग करते यहाँ हमारे आदिवासी क्षेत्र इसने नीचे जात जही और ये पाटन में अपन औद्योगिक मित्र मन लाभ पहुंचाए बर यहाँ चरित्र करत है। ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए छत्तीसगढ़ ला भाई जन आदिवासी विकास में बाधक बने। अजय जी आपन के क्या जवाब? देखो सबसे पहले तो राहुल जी मैं आपके आप जो पहली पूछे हो ठाकुर साहब से ठीक है कि कांग्रेस खत्म हो गई हो जावत है का कोई नेता कहे कि कांग्रेस बुढ़ा गए कांग्रेस खत्म हो जावत है तो मैं बोला बहुत आपत्ति है बात में कि कांग्रेस कभी खत्म नहीं हुए। कांग्रेस एक विचारधारा है, ठीक है, वो विचारधारा जेन है वो लगातार हम खत्म हो जाबो दुनिया खत्म हो जाए लेकिन कांग्रेस की विचारधारा कांग्रेस पार्टी लगातार चलत रही और चेहरा बदल रही मनखे बदलत रही। देवलाल ठाकुर जी बैठे आज बस परिवारवाद नहीं बदले कांग्रेस में, शरीर में जो खून बहा थे कांग्रेस में परिवारवाद बस नहीं बदले, लोकतंत्र नहीं है कांग्रेस में। कांग्रेस गांधी ले चालू गांधी खत्म अभी तुम हाथ उठा के कांग्रेस राहुल गांधी पर सब करके उंगली पकड़ के आज यहाँ तक अपन नाम के पहचान बना के भारतीय जनता पार्टी में देवलाल भाई चल दी उज्जवल भविष्य उज्जवल भविष्य के कामना करता शुभकामनाएं देवत हूँ लेकिन लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता मल्ला डरा के धमका के
भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कराए, डरा के धमका के नहीं जा रहे थे, जेला देश ही पार्टी के विचारधारा है कि समाप्त हो जाए, काबर के कांग्रेस पार्टी नो है, कांग्रेस विचारधारा है, कांग्रेस के विचारधारा कभी नहीं मर सके जवाहरलाल भाई, अखंड भारत, अखंड भारत के बाद आप कर सो, अखंड भारत के बाद आप कर सो, आज 8 साल हो गए पाकिस्तान चले जाइए, कांग्रेस की पहचान बने हैं, मूल बात ना बता भाई, 90 विधानसभा मुख्यमंत्री है और आदिवासी मन के हाथ डाका डाल दी। चलो अजय जी देवलाल जी, मुझे लगते है कि जैसे जैसे चुनी नजदीक आवत है देख रहे थे बयान के जो दौर शुरू हो चुके हैं, लेकिन ये बयान में संसदीय भाषा के इस्तेमाल के ऊपर भी ध्यान देना हो ही, काबर के अभी जवान फिसले सौ अर्थ के अनर्थ हो जाए, ऐसे लगते है। आप मन दुनिया जन जुड़िया, आपन के बहुत बहुत धन्यवाद।